इस बार लेट से ऑर्डर भी मिला है तो मूर्ति भी ज़्यादा नहीं बना पाए कम मूर्ति बना है बारिश होता ही है तो हम लोग को बहुत परेशानी हो जाता है कभी बना हुआ मूर्ति पे चू जाता है तो गल जाता है कितना बनिया से घेरते हैं हवा हुआ तेज़ चलता है तो उड़ जाता है अगर अगला बार का थोड़ा बहुत कर्ज उड़ जाए तो उसी से अपना चलेगा जो भी है गुजारा होगा घर परिवार वही थोड़ा बहुत पेंट टूंट हुआ और वही उसी में मिला जुला कर थोड़ा बहुत चला और क्या नमस्कार मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज आज हम आए हैं पटना सिटी के उस जगह पे जहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में जो कुम्हार है जो मूर्तिकार है वो मूर्ति बनाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं जो ये नवरात्रि है और ये जो महंगाई है वो नवरात्रि पर पड़ भारी पड़ती हुई दिख रही है हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर चीजों का दाम में इजाफा हो चुका है और वही अगर बात हम मूर्तिकार की करें तो इस बार मॉनसून कुछ कदर बिहार पे छाया हुआ है कि मूर्तिकार की परेशानी और बढ़ चुकी है इसलिए आज हम उनसे बात करने जा रहे हैं जो इस मिट्टी को माता का स्वरूप देते हैं जो एक मिट्टी को माता की प्रतिमा के रूप में परिवर्तित करते हैं और एक माता का रूप में उसको किस तरीके से बनाते हैं आज हम उनसे बात करने वाले हैं और उनकी कुछ जो परेशानियां हैं और एक मिट्टी को किस तरीके से ऐसे स्वरूप में वो सजाते हैं ये सारी बातें आज हम उनसे जानने वाले हैं क्या नाम हुआ आपका मेरा अमृता अमृता अच्छा, देवी कितने सालों से आप ये कर रही हैं हम तो इधर शादी के बात पहले कर रहे हैं हाँ, अच्छा, पहले जैसे उससे पहले हमने मायके में नहीं होता है अच्छा आपके हस्बैंड वो तो बहुत दिन से कर रहे हैं उनके पापा जी नाना जी सब कर रहे हैं अच्छा एक बार बताइए इस बार पटना में बहुत जगह मूर्ति नहीं लगा है मतलब प्रतिमा नहीं स्थापित हुई है कलश बस हुआ है तो इसके कारण आप लोग के काम पे कितना असर पड़ा हम लोग के काम पर तो बहुत असर पड़ा है इस बार लेट से ऑर्डर भी मिला है तो मूर्ति भी ज़्यादा नहीं बना पाए कम मूर्ति बना है जमीन भी लेट से मिला है क्यों लेट से मिला जैसे जगह हा, जो हाँ। हम लोग जहाँ काम करते हैं हाँ। तो हम लोग सोचे कि अगले साल जैसा मूर्ति बनेगा या ना बनेगा तो इसी के कारण फेस उसी सब मतलब नॉर्मल हो रहा था कि बनेगा ही नहीं तो फिर लेट से ऑर्डर आया तो वही थोड़ा बहुत बना है तो जमीन आप लोग रेंट पे लेती हैं हाँ अच्छा ये रेंट पे लेती हैं फिर मिट्टी कहाँ से मंगवाती है मिट्टी भी गंगा जी से मंगवाते हैं वो भी गाड़ी से मंगवाते हैं तीन से चार दिन लगता है तीन से चार दिन अभी आप माता का हाथ बना रहे हैं तो ये अलग से जोड़ा जाता है बाद में तो अभी मूर्ति में मुझे जो दरारे दिख रही है मतलब ये दूसरा लेयर मिट्टी का चल रहा है और इसको सूखने में कितना टाइम लगेगा धूपा करेगा तो दो दिन बहुत है अच्छा धूपा नहीं किया तो तीन हफ्तों रोज लग सकता है तो धूप तो जैसे अगर जैसे पन्नी ऊपर रखा हुआ है तो आप इसे हटाते हैं कहीं और ले जाते यही सूखता है अच्छा आप लोग पेंट वगैरह लिया है खरीद मतलब ये जो पेंट करना है मैंने, है मैंने सुना है कि पेंट का दाम बढ़ गया है जो भी चीजें इस्तेमाल होती है सबका प्राइस बढ़ रहा है अभी नहीं लिया और मिट्टी जो लाए हैं वो मजदूरी मजदूरी बढ़े या ना बढ़े लेकिन मिटेरियल रेट हर साल बढ़ जाता है अच्छा तो उस हिसाब से आपको जो ऑर्डर मिले हैं उस हिसाब से मिले हैं कि की पैसा बढ़ के मिल रहा है आपको मूर्ति पे मटेरियल पर रेट बढ़ेगा तो पैसा बढ़ाना ही पड़ेगा हाँ तो पहले के मुकाबले कितना कितना दाम बढ़ा हुआ है इस बार इस बार तो दुगना रेट बढ़ा बढ़े हर मेटेरियल हर मटेरियल तो एक बात बताइए इस बार जो मूर्ति की मांग है वो पहले के मुकाबले कितना ज्यादा कितना कम है मांग ज्यादा है पर समय नहीं है कि काम कर सकता है आदमी टाइम अच्छा, नहीं ना है हाँ। अच्छा जितना टाइम रहेगा जितना होने लायक रहेगा उतना ही न करेगा ये आप देख रहे होंगे तस्वीरों में कि किस तरीके से अच्छा, ये माँ का भी अभी क्या बना रहे हैं अंगल आप क्या बना रहे हैं माता का बना बना रहे रहे हैं हैं फेस फेस अच्छा बनाने में आपको कितना वक्त लगता है ये ये वो ये वो अच्छा कम से दो घंटा सफाई करने में लगता है mm. तो इस बार तो आपको कुछ ऑर्डर भी मिले हैं दो घंटा सफाई मतलब इसमें जितना पैसा है उससे कई गुना ज्यादा आपका मेहनत है तो क्या mm. आपका मेहनत जो पैसा आपको मिलता है उसमें सफल हो पाता है की हाँ मेरा मेहनत जा रहा है नहीं, नहीं होता है मेहनत का पैसा कौन देता है मेहनत का पैसा नहीं मिल पाता है नहीं। अच्छा पिछली बार आप लोग को कुछ ऐसा मदद मिला था जब आप लोग नहीं बनाए थे मूर्ति तो गौ कुछ, तो, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं अच्छा ये नकाशी में तो ऐसा भी होता होगा कई बार की कुछ गलतियाँ हो गई क्यूँकी हाथ है हुनर है तो गलतियाँ भी होती है तो फिर आपका तो ये बर्बाद हो जाता होगा फिर तो सुधारना पड़ता है सुधारना पड़ता है उसमें भी बहुत ज्यादा वक्त लगता होगा बढ़ जाता टाइम अच्छा एक चीज और हमको पूछना है कि आपकी धर्म पत्नी है जो बता रही थी कि आप मतलब शुरू से ये काम करते हैं अपने पिताजी से करते थे तो मतलब आपका पूरा परिवार इसी यही काम करता है भी होता है क्या हम जान सकते हैं कि किस उम्र से जो नकाशी है ये जो खूबसूरती आप माता के चेहरे पर ला रहे हैं ये किस उम्र से आप सीखे हैं बच्चे पंद्रह सोलह की उम्र से पंद्रह सोलह की उम्र से बस अपने पिताजी को देख देख के तो आपने ये नकाशी करना कहीं सीखा नहीं है बस देख के आपने सब पापा ये सब सब सीखा है पापा पापा से आपके पापा भी यही करते थे अच्छा इतने सालों से आप लोग काम कर रहे हैं फिर भी मतलब आज भी आपकी पत्नी बता रही थी कि आप लोग जमीन जो है किराया पर लेकर ये काम करते हैं तो इतना साल में उस तरीके का कभी मुनाफा नहीं हो पाया कि आप अपना बिजनेस भी एक जगह पे स्थापित कर पाए ना उतना नहीं हुआ उतना नहीं इतना हो पाता है कि बस घर चल जाए बस 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 हर तो इस बार बहुत बढ़ गया है हर चीज़ पे रेट बढ़ गया बांस पर भी रेट बढ़ गया जो बांस एक सौ साठ सत्तर देता था वो दो सौ बीस दे रहा है जो सुतली लाते थे दो हजार में तो इस बार पैंतीस सौ हो गया तो ऐसा तो नहीं है कि मूर्ति कम ऑर्डर इस बार ऑर्डर कितना आया है आपको ऑर्डर तो इस बार कम आया है पहले के मुकाबले पहले के मुकाबले समझिए आधा से थोड़ा सा ज़्यादा है बस आधा हाँ उसी तम उसी तरह मुनाफा क्या लग रहा है इस बार मुनाफा कहाँ पता चल रहा है इसमें तो कम बनाए भी हैं काम करने वाला भी कोई आदमी उदमी नहीं मिला है तो अपने मतलब कर रहा है तो इस बार तो समझिए कि एक ठो मतलब काम कर रहे हैं उतना फायदा उदा नहीं है तो आपने देखा कि जो मेहनत है जो इन्होंने दिखाया कि कितना मेहनत लगता है उनको अगर इस मूर्ति की बात करें तो एक मूर्ति बनाने में बस इन्हें कम से कम एक सप्ताह का वक्त लगता है और जैसे बिहार की अगर बात करें तो जिस तरीके से बिहार में मॉनसून का इन दिनों कब्जा है इनका कहना है कि कई सारी मूर्तियां तो बर्बाद हो चुकी हैं कई सारी ऐसी ऑर्डर आए हैं जिसमें हम मूर्ति पूरा नहीं कर पा रहे क्योंकि मॉनसून का कहर ऐसा है और जिस ज़मीन पे जो हम आपको ये जगह दिखा रहे हैं ये जगह भी इनका नहीं है ये जगह ये रेंट पर लेते हैं ये मिट्टी कहीं और से मंगवाते हैं उसमें भी इस बार इनको सारा मतलब आप एक तरीके से सोच सकते हैं कि इस बार इन्होंने जो भी चीज़ इस्तेमाल किया है चाहे वो मिट्टी हो आगे जो ये मूर्ति पेंट होगी उन सब में बहुत ज़्यादा इनको पैसा लगा है लेकिन सुनने में ये आ रहा था कि इस बार आ, कई रिपोर्ट आई है कि इस बार जो भी प्रतिमा बनी है वो 20 प्रतिशत अधिक दामों पे बिक रही है लेकिन जब हमने यहाँ इनसे बात किया तो इनका कहना है कि ऐसा नहीं है हो सकता है बड़े बड़े शहरों में ये चीज़ हो रहा हो लेकिन हम जैसे छोटे कलाकारों के लिए मूर्तिकार के लिए तो ऐसा है कि हमारी एक मूर्ति ही बिक जाए हमारे लिए बहुत है क्योंकि पटना में कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर इस बार प्रतिमा स्थापित नहीं हो रही बस कलश स्थापना हो रहा है उसके बावजूद हम मूर्ति बना रहे हैं और ऐसे में जब लोग मूर्ति लेने आते हैं तो उनका बस एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि हम इस महंगाई में मूर्ति ले रहे हैं तो कृपया कम कर दें तो इनका कहना है कि हम चीज़ें तो महंगा खरीद रहे हैं रेंट भी ज़्यादा दे रहे हैं पैसे भी ज़्यादा लगा रहे हैं और मूर्ति बनाने में मेहनत भी इस बार ज़्यादा हो रहा है लेकिन इसके बावजूद भी जो पैसे हैं वो कम मिल रहे हैं और उसका सबसे बड़ा वजह है कि लोग पैसे देना नहीं चाहते लोगों का कहना है कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि हम सक्षम नहीं हैं कि बढ़े हुए दाम पर मूर्ति लें तो इसके बावजूद इनको अपना घर चलाना है इनको अपना पेट पालना है और इनका कहना है कि ये रोज़गार है इनका और इसके अलावा इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है और पिछले साल की बात करें तो इनका कहना है कि पिछले साल तो हमें एक भी रुपए नहीं मिले थे तो इस साल बस पैसे मिल रहे हैं वही सोच के हम इस बार मूर्ति कम दामों में ही बेचने को मजबूर है बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फेसबुक पेज को लाइक करें धन्यवाद